हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनॉक्स इंडिया लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे इनॉक्स इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे, जो ये लिस्टिंग हुआ था उसके बाद से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला, और गिरावट होते होते ये स्टॉक बहुत ही नीचे आ चुका था। बेसिकली अगर हम कहें तो करीब करीब ये 800 रुपये के करीब यहाँ पे टच करता हुआ नजर आया, और उसके बाद इस स्टॉक में जो तेजी देखने को मिला दोस्तों, अगर आप देखोगे बेसिकली यहाँ पे से स्टॉक में तेजी देखने को मिला है। और अगर मैं इसका चार्ट पे अगर आप देखूँ तो यहाँ पे चार्ट से अगर आप अभी के टाइम से अगर हम देखें रिटर्न की बात कर लें खास करके, तो करीब करीब यहाँ से ये स्टॉक जो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न तो बहुत अच्छा दे दिया है कंपनी ने यहाँ पे ऑलरेडी। तो एक तरह से आप देखोगे बेसिकली यहाँ से रिटर्न जो दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब कि करीब करीब 540% रुपया ऊपर ऑलरेडी ये जा चुका है जिस लेवल पे था ऑलरेडी। तो यहाँ से इस स्टॉक में ये आने वाले टाइम में इस स्टॉक में क्या हो सकता है वो भी हम चीज़ें यहाँ पे बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले हम चार्ट पे थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स चीज़ें देखते हैं और इसको मैं थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा, ये है जो लो लगाया था 808 रुपया, ये स्टॉक है इनॉक्स इंडिया लिमिटेड, जो लो लगाया था। इसके लो लेवल अगर आप देखोगे इनॉक्स इंडिया के, इसी करीब 802 रुपया है। तो यहाँ पे 808 रुपया वहाँ पे चार्ट में दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे 802 रुपया आपको चार्ट में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पे इनॉक्स इंडिया का, जो यहाँ पे तेजी देखने को जो मिला है वो कंटिन्यू अभी टाइम पे इस स्टॉक में कंटिन्यू तेजी बरकरार है और अपसाइड ही कंटिन्यू जा रहा है। और यहाँ पे एक तरह से देखें तो ऑल टाइम हाई पे इसका स्टॉक ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो क्या अभी के टाइम पे इस स्टॉक से प्रॉफिट बुक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या यहाँ पे बने रहनी चाहिए, या यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रहा होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और वहां से आप अपना एक्शन ले सकते हैं। लेकिन यहां पे किसी भी प्रकार का मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं होगा, ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो होगा दोस्तों। और यहां पे मैं जो बात ही करने जा रहा हूं, यहां पे डिटेल्स जो साझा करने वाला हूं, सारी डिटेल्स आपको कंपनी के अबाउट, स्टॉक के अबाउट दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट भी मिलता रहे। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी इसके इनॉक्स इंडिया का यहाँ पे वीडियो आपको देता हुआ नज़र आया हूँ। और यहाँ पे जब इनॉक्स इंडिया का जब आईपीओ आया था, एक तरह से यहाँ पे गेन बहुत अच्छा देखने को मिला। गेन मिलने के बाद इस स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद इस स्टॉक में एक बड़ा अपसाइड भी देखने को कंटिन्यू मिल रहा है। तो इनॉक्स इंडिया के अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पे 1418 रुपया है, और आज की डेट में भी इस स्टॉक में एक शानदार रैली देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो पहले मेरे वीडियो पहले जो लोगों ने देखा होगा, और मैंने उनको बोला था कि इस स्टॉक को आप होल्ड करें, लेकिन यहाँ पे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं था, मैं होल्ड करने के लिए बोला था कि यहाँ पे होल्ड कर के चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी है यहाँ पे। और वो जिन्होंने होल्ड किया होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपने पहले मेरा वीडियो देखा था, आपने कमेंट में पूछा भी था हमसे कि यहाँ पे सर क्या करके चलें, यहाँ पे स्टॉक में क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस में आ गए हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, प्राइस 1200 पे खरीदा था, कोई 1100, कोई अगर हम बात करें तो 1000 रुपये पे खरीदा था, तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। मैंने उनको बोला था कि 2 से 3 महीने 6 महीने आप होल्ड करके चलो, यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करता हुआ नज़र आएगा, और ऐसा ही देखने को मिला दोस्तों। यहाँ पर अगर अभी के टाइम पर भी देखोगे तो स्टॉक के अंदर जो यहाँ पर प्रमोटर है, यहाँ पर एक बड़ी हिस्सेदारी के साथ यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है। और मार्केट कैप अगर देखो तो 12,870 करोड़ का है, और यहाँ पे ईपीएस 16.80 रुपया का जनरेट कर रही है। कंपनी के ऊपर डेप्ट ना के बराबर 9 करोड़ का डेप्ट है, जो डेप्ट टू इक्विटी देखो तो 0.02 का है, और यहाँ पे रिजर्व्स 531 करोड़ का है दोस्तों। दोस्तों, ये सब चीज़ों पे हम ज़्यादा बात ना करके अगर अभी हम चलें यहाँ पे देखें, सबसे पहले कि FISDIs ने दिसंबर में क्या किया था, तो इनकी जो होल्डिंग है आने वाले क्वार्टर में आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जब अपडेट आएगा मार्च का डेटा, तो या भाई FIS या DIS कोई न कोई तो यहाँ पे अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं।
आपको पता होगा कि इनॉक्स इंडिया, जो इनॉक्स सीवीए करके हम नाम से जानते हैं, बेसिकली इनका प्रोडक्ट सेगमेंट इतना अच्छा है, आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल गैसेस से ले, क्रियो बायो से रिलेटेड सिलेंडर्स फॉर गैसेस से रिलेटेड, एलएनजी से रिलेटेड, बेवरेज केक से रिलेटेड, अगर हम बात करें क्रियो साइंटिफिक से रिलेटेड, ये सब सारे चीजों से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट हैं दोस्तों, एक दो प्रोडक्ट नहीं है, और इनमें से वन ऑफ द लीडिंग कंपनी मेरे नाम आता है। जैसे मैं देख सकते हैं वैक्यूम इंसुलेशन की बात कर लें तो वन टॉप फाइव में आता है, डीप इन अर्थ टू हाई अप इन द स्पेस, यहाँ पे प्रोडक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसके अलावा देखें पावरिंग स्पेस व्हीकल्स विद क्रियोजेनिक सोल्यूशन एंड प्रोडक्ट्स में भी इसका बहुत बड़ा नाम है, 5,000+ कस्टमर अक्रॉस द 100+ कंट्रीज के अंदर इनका प्रेजेंस है। प्लस यहाँ पे 3 आउट ऑफ एवरी 4 क्रियोजेनिक टैंक्स में इंडिया का रहता है, जो इनॉक्स सीबीए का है दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी का एक तरह से बड़ा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, और कंपनी का काम है जो एक तरह से इनका बिजनेस वर्टिकल देखें तो मेनली इस पे इन चार चीज़ों पे ही कंपनी ज़्यादा फोकस करती हुई नज़र आती है दोस्तों। और इन चारों चीज़ों में एक तरह से देखें तो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इनॉक्स इंडिया दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें इनॉक्स इंडिया की खास करके, तो इनॉक्स इंडिया के अगर देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है कंपनी का। जो दिसंबर 2023 का जो रिजल्ट आया था, 290 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है, 49 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2022 में 244 करोड़ का सेल्स था, और 244 से सीधा बढ़ के 290 करोड़ पहुंच गया, 41 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के यहाँ पे 49 करोड़ पे पहुंच गया। तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करो या क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बात करो, दोनों बेसिस पे यहाँ पे कंपनी का सेल्स प्रॉफिट ये सारी चीज़ें बढ़ता हुआ नजर आया है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें इनकी मार्जिन भी इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी अच्छी है, और कंपनी का बिजनेस भी शानदार है, तो यहाँ पे रिटर्न क्यों नहीं देगा, कंपनी रिटर्न तो देगा ही। और यहाँ पे यही चीज़ आपको अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इनॉक्स इंडिया के अंदर दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छा ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 30% से ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इसके अंदर गिरावट भी देखने को मिल सकता है कुछ टाइम में, यहाँ पे आने वाले टाइम में, तो इस चीज़ पे आप फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अभी फ्रेश बाइंग करना उतना सही नहीं है मैं समझता, लेकिन आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं दोस्तों। मैं रहता तो मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जैसे ही गिरावट आएगा इसके अंदर और मुझे 1,000 रुपये के करीब इसका रेंज जैसे मिलेगा उस लेवल पे मैं बाइंग करना पसंद करूंगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।